मुंबई के बोरीवली से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। महिला ने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए अपनी ही सास की जान ले ली। महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी सास की पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मुंबई के बोरीवली पश्चिम गोराई इलाके में रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपनी 57 वर्षीय सास की पत्थर से मारकर निर्मम हत्या कर दी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक महिला को उसके बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। महिला पर आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही सास की जान ले ली। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सास की कथित तौर पर हत्या करने की आरोपी महिला को उसके प्रेमी संग पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। महिला की सास ने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राधा लाके और दीपक माने दोनों आरोपियों ने महिला की सास सालूबाई लाके की हत्या करने की बात कबूल ली है। अधिकारी ने बताया कि दोनों ने पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि राधा लाके और माने को बोरीवली के महात्मा फुले इलाके से पकड़ा गया। अधिकारी ने कहा कि बीते शुक्रवार को बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू और माने को एक साथ अपने घर में पकड़ा और महिला के पति को उनके अवैध संबंध के बारे में बताने की धमकी दी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों ने सालूबाई लाके की धमकी के बाद उससे छुटकारा पाने की साजिश रची। अपनी साजिश को अमली जाना पहनाते हुए उन्होंने घर में ही कथित तौर पर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पुलिस को पता चला कि आरोपी माने अक्सर उनके घर आया जाया करता था। अधिकारी ने कहा कि माने से पूछताछ की गई, उसने गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 302 सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआर नंबर 1007/2020 आईपीसी सेक्शन 302 के तहत ऑफेंस रजिस्टर था, उसमें एक 57 इयर्स की लेडी को किसी ने मार दिया है करके हमें खबर मिली थी। उस हिसाब से एक केस रजिस्टर हुआ है। उसमें कौन स्लम एरिया है, महात्मा फुले नगर जोड़पट्टी एरिया है, वहाँ पे हमें कुछ लिंक या कुछ एविडेंसेस ऐसे नहीं मिल रहे थे कि जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट जिसने वो खून किया है वो पता चले। फिर भी हमारे डिटेक्शन ऑफिसर्स, हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, ACPs, इनकी टीम ने, स्पेशल टीम ने वो गुत्थी सुलझा दी और उसमें हमें पता चला कि जो जिस औरत की मृत्यु हुई है, जिस औरत को मारा गया है, उसकी जो छोटे लड़के की जो वाइफ है, उसी ने उसके जो लवर है उसके जरिए एक प्लान बनाया और अपनी सास को मारा है करके वो निष्पन्न हुआ है। उसके हिसाब से हमने वो उसके दोनों अक्यूज को हमने अरेस्ट किया हुआ है। सर, हत्या की वजह क्या थी? हत्या की वजह थी कि जो जिस लेडी को हमने अरेस्ट किया है उसका इलिसिट रिलेशंस थे उसके घर के पास में रहने वाले दीपक अलियास अन्ना माने के साथ में। जो मयत लेडी है उसको पता चल गया था, तो उसने उसको बताया था कि मैं अभी मेरे लड़के को बताऊंगी, क्योंकि उसका लड़का बाहर था, वो जब मुंबई में आएगा तो उसको मैं बताऊंगी। ऐसे बताने के बाद में ये उसने बताना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने प्लान किया और उसको मारा है। आरोपी का सर बैकग्राउंड क्या है और कितने दिनों से अवैध संबंध था, कितने सालों से? उनका काफ़ी दिनों से अवैध संबंध था करके इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसका पता चल गया था जो मयत औरत है उसको, इसीलिए उसने उसको मारने का प्लान बनाया। वो मर्डर रात को जब वो औरत सोई हुई थी, बूढ़ी औरत, तो उसके सर में पत्थर मार के उसकी हत्या की गई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.